हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है मुंशियारी का व्लॉग, मगर मुंशियारी में हम सिर्फ एक जगह पे गए थे, माहेश्वर कुंड, क्योंकि ये ऑफिशियल टूर था और हमें टाइम बहुत कम था और माहेश्वर कुंड हमारे रेस्ट हाउस से बहुत नज़दीक था, तो हम बस वहीं घूमे। बाहर तो धुंध से कुछ दिख नहीं रहा, वरना आपको इतने सुंदर सुंदर से बर्फीले पहाड़ हैं इधर। तो अभी मैं बाहर जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी, बाहर पर बहुत सारे लोग हैं तो मुझे शर्म आ रही। तो गाइस, मैं कॉम लाना भूल गई हूँ। मैं गाइस को बता रही तो गाइस मैं कंघी लाना भूल गई हूँ और ये भी लेके आना भूल गई है। वैसे जनरली हम काम तो करते हैं नहीं, ऐसा करना तो था आज क्योंकि कल हम पूरे जंगल घूमे हुए थे, मैंने ऐसे बना लिया। हेलो, ये भी बना क्या होगी, बस बढ़िया लग रहे हैं, लग भी नहीं रहे कि हमने कल ही बालों का फायदा। देखो यार, नेचुरली इतना ठंडा सा हो रहा है तो खुद ही गाल पिंक पिंक से हुआ है। तो गाइस यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो ये व्यू बहुत ब्यूटीफुल दिखता अगर ये धुंध नहीं होती तो, मगर फिर भी मैं सोच रही थी और क्या ही दिखा सकती हूँ, तो मैंने ऐसे ही कैमरा घुमा लिया। अच्छा, तो हमारा नाश्ता आ चुका है, टेस्टी लग रहा है। पानी पानी वाली सब्जी लग रही है मगर टेस्टी लग रही है क्योंकि भूख बहुत है हम लोगों को और यहाँ ठंड भी काफ़ी है, तो हम धूप में बैठ के मस्त नाश्ते कर। अच्छा हाँ, नींबू चलेगा। तो अभी हम लोग निकले हैं कुंड थलार, भूल जाती हूँ, महेश्वर कुंड, महेश्वर कुंड। तो अब हम लोग निकले हैं महेश्वर कुंड क्योंकि 10 बजे तक हम फ्री हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम था, यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं चल रहा था और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, और महेश्वर कुंड कितना दूर है ये भी नहीं पता था हम लोग को। है महेश्वर कुंड का रास्ता। तो गाइस आधे रास्ते में बिल्कुल शांत है, इसको देख के मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, पर ये बोल रही कुछ नहीं होगा तो मैं इसकी बात मान ले रही हूँ, इस पे भरोसा है। ये बॉडी गार्ड जैसी लग रही है ब्लैक ड्रेस में भी। और यहाँ पे दो रास्ते थे, हम लोग ना थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, मगर हमने दूसरा रास्ता चूज किया और वहीं महेश्वर कुंड था। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं महेश्वर कुंड। महेश्वरी साम्राज्य की जय हो। तो गाइस अब हम इस कुंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ पे घूम के इतना अच्छा लगा ना, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था और यहीं पे बैठने का मन कर रहा था, मगर हमारे पास थोड़ा टाइम कम था। तो गाइस 9:30 होने वाले हैं और हमारा जाने का वक्त हो चुका है, पर हमें मन नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाएं। चिड़ियाओं की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, शांत। अब हम नहीं बोलेंगे, आप सुनो, ठीक है। तो मुंशियारी आके हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। भले ये ऑफिशियल टूर था मगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने ऑफिस वाले टूर में भी बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पर भी हम बहुत इन्जॉय कर। अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं मुंशियारी आने की। तो गाइस अब मेरी नहीं हुई अभी, नहीं हुई और होगी, तो मुझे स्कीइंग करना है और मुझे खड़िया टॉप ट्रैक। तो मतलब जो हमारा 2 साल से सपना था कि हम आएंगे यहाँ रहेंगे ये करेंगे, तो सारे सपने पूरे हो गए, पिकनिक टाइप भी हो गया, हमने इतना घूम भी लिया, मज़ा आ गया। स्पेशली मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, ऑफिस के लोग हैं मेरे कलीग्स जो प्लान बनाते थे, 2 साल से प्लान ही बनाते थे शायद वो जाना नहीं चाहते थे। चलो तुम चलो। कैसा लग रहा है आपको हमको इस तरह देख के, देखिए पॉन्ड के बीच है, कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताना। अगर आपको बुरा लगा हो तो भी बताना, अच्छा लगा हो तो भी बताना, मुझे पता है आप जलोगे। बहुत मजा आ रहा है ना, भावना आ रहा है कि नहीं बताओ, अब ज्यादा आ रहा है ना। देखो यहाँ पे उस पत्थर में बैठी है ललिता, उस पत्थर में बैठी है, बताओ बताओ भावना, तुम बताओ। ललिता, बलपाल मैम, प्रियंका मैम, ममता मैम, ज्योत्सना, दीपशिका तो खैर आई हुई है यहाँ पे। हाँ ज्योत्सना, दीपशिका तुम भी चलो, ठीक है। देखो पत्थर सबके लिए, वहाँ हमने सोच लिया कि तुम वहाँ बैठे हो, ठीक है, तुम भी बैठे हो हमारे साथ,
यहाँ पे हम अपने बाकी स्टाफ को मिस कर रहे थे, तो बस फन के लिए बोल रहे थे। मैम तो अरे उसको आने का मन ही नहीं कर रहा है, बेचारी हमें एक घंटा और मिल जाता, वो यहीं बैठी रहती। तो ये इतना बड़ा पत्थर है ना, क्या तुम इस पर चढ़ना पसंद करोगी भावना? लेट भी हो रहा होगा ना, तब भी ये मना नहीं करेगी। इस टूर में ना हमने बहुत इंजॉय किया, मतलब जहाँ पे भी ये ऐसी चीजें दिख जा रही थी, पेड़ या पत्थर, तो हम बच्चे बन जा रहे थे। तो यहाँ हमारे लंच आ चुका है, पहले हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाने वाले थे, मगर अब हम लंच तक यही हैं। तो गाइस ये व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि अब इससे आगे मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, अगर दिखा पाई तो ठीक है, नहीं तो यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।